हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वाइटल फोर्स थ्योरी, मॉडर्न डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन और बॉन्डिंग इन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज का, तो जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पता है कि जो एक कार्बन एलिमेंट होता है उसकी ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी इसके अंदर कार्बन का जो एटोमिक नंबर है वो हमारे पास 6 होता है, एटोमिक मास हमारे पास 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन S2 2S2 एंट्रोपी 2 होती है, और कार्बन के हमारे पास एलोट्रोप्स प्रॉपर्टी होती है, जो जिसके अंदर है जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होती है, एलोट्रोप्स कहा जाता है उनको। जैसे कि एग्जांपल के लिए डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है और एक्सेट्रा। और इस जो कार्बन को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों चुना गया, इसका भी एक रीज़न होगी, दो रीज़न है कि कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी दो प्रॉपर्टी है। कैटेनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ दोबारा लिंक हो सकता है, और टेट्रावेलेंसी के अंदर कार्बन के पास हमें पता है कि चार बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड ये बना सकता है, वैलेंस हर में इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चार बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे बात करते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर। वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर जो फोर्स थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो बर्जिलिस के द्वारा 1815 में दी गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिसकी वजह से उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स, और इस थ्योरी को नाम दिया गया पूरा वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसी जो थ्योरी से हमारे पास एक और डेफिनेशन निकल कर आती है पहले, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी नॉट बी प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी आर्टिफिशियली। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हमारे पास आता है जिसका नाम वॉलर होता है, जो 1828 के अंदर उसने बताया कि हम यूरिया नाम के एक कंपाउंड को, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि जो वॉलर है उसने यूरिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया था, ठीक है। यूरिया को उसने, यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनिमल्स की यूरिन्स में पाया जाता है, और इसने अमोनियम साइनाइड है उससे क्या है यूरिया बनाया था, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में बताया जाता है, ठीक है, जिसका मोलिकुलर मास है वो हमारे पास 60 होता है, और ये अमोनियम साइनाइड है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जिससे क्या है उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया। और इसके बाद ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट आते हैं, वो धीरे धीरे जो यूरिया के बाद हमारे पास एसिटिक एसिड आता है, जिसको कोल्बी ने प्रिपेयर किया था, और उसके बाद मीथेन जो कि बर्थलोट, और उसके बाद तो हमारे पास काफ़ी एल्काइन बन जाती है, जिससे कि है काफ़ी सारे कंपाउंड धीरे धीरे बनते गए। और उसके बाद इससे जो हमारे पास जो एक मॉडर्न डेफिनेशन निकल कर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स है, ये जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की निकल कर आती है। जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कमिलिंग वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम बात करते हैं, तो हमारे पास पता है कि कार्बन हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर है उसका, और जो वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर ये बैलेंसर में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके ये अपना स्टेबल होना चाहता है कार्बन, जिसके लिए उसको एक क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है के अंदर आना पड़ेगा इस कंपाउंड, और इसके लिए इसको कंपाउंड बनाना पड़ेगा। कंपाउंड के अंदर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए ये तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, पर हमारे पास जो क्या होता है क्या है जो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज़ करने के लिए काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक ऑर्डिनरी जो केमिकल प्रोसेस है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ना ही लूज़ करता है ना ही गेन करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है और कंपाउंड बनाता है, जिससे क्या है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इस कोवेलेंट बॉन्ड का ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है एक बहुत बड़ा महत्व है इसका। और कोवेलेंट बॉन्ड वो मे भी पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकता है नेचर के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि जो कार्बन एटम है वो के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है वो कौन सा आइटम और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। सो आज की वीडियो में हम यहीं
वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट है एंड अदर जितने भी इफेक्ट हैं उसके अंदर यूज़ होने वाले। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।